हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इंपैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के बारे में। तो टेली कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ये आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। लेकिन जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका कंस्ट्रक्शन के लिए जो सुपरविजन है वो भी सिविल इंजीनियरिंग को करना पड़ता है। तो उनके जो अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी मतलब अर्बन एरिया में किसी तरह के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर किसी तरह के भी मतलब अर्बन एरिया को डेवलप करना है तो अर्बन एरिया के लिए आपके स्ट्रीट से रोड्स के थ्रू बहुत सारे केबल बिछाए जाते हैं। तो केबल कहाँ पे होता है कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए और किस तरह इसकी लेइंग करनी है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बेसिकली एक सिविल इंजीनियर को भी टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि टेली कम्युनिकेशन है क्या। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम इज सिंपली एनी सिस्टम इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर। तो हमारा जो पर्पस ये होता है कि हम लोग जो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक सेंड कर सके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका ऑडियो भी हो सकता है, वॉइस कॉल भी हो सकता है, रिटन मैसेज भी हो सकता है, इमेजेज वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जो टेलीकम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है बाय वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर वायर, रेडियो, ऑप्टिकल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब लार्ज डिस्टेंस पर अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो हम लोग जो मीडियम है वो हम लोग वायर का, रेडियो का, ऑप्टिकल मीडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, मतलब अगर आप किसी एक लोकेशन पर खड़े हैं और उस दूसरे आदमी मतलब पर्सन से आप बात कर रहे हैं तो इस केसेस में भी हम लोग करते क्या है कि हम लोग जनरली जो इन्फॉर्मेशन है जो भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोग वोकल कॉर्ड से जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद जो है दूसरा पर्सन है वो अपने ईयर से उसको रिसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है और उसको समझता है। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग का शेयर का मीडियम है वो आपका ये साउंड वेव्स है। लेकिन अभी जो हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें वायर भी हो सकता है मीडियम, आपका स्पेस हो सकता है तो उसके मीडियम में अगर है आपका तो उसमें हम लोग जो वेव्स हैं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो है अर्ली स्टेज में जो कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही थी तो इसमें इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम लोग रेडर्स का इस्तेमाल करते थे और पिजन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और एक है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि बोलते हैं हेलियोग्राफ। ठीक है, तो हेलियोग्राफ जो कि बेस्ड है मॉर्स कोड पर। तो ये आपको अगर आपने सर्वे पढ़ा होगा तो सर्वे में ट्रायंगुलेशन आपने पढ़ा होगा। तो ट्रायंगुलेशन में जो लॉन्गर डिस्टेंस पर आपको स्टेशन को साइट करना पड़ता है तो इसके लिए भी हम लोग इस तरह के हेलियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलियोग्राफ होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे ग्लासेस होती है और मिरर के थ्रू हम लोग उसमें लाइट को पास कराते हैं। तो लाइट पास करवाते हैं मतलब कि या फिर सन का रे हो उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के पास। तो इस तरह से हम लोग ये जो अगला लोकेशन है, अगला स्टेशन है वो किस लोकेशन पे है वो हम आप साइट कर सकते हैं और दो स्टेशन के बीच का एंगल आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन में इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मोर्स कोड के थ्रू, मोर्स कोड में जो भी इन्फॉर्मेशन है रिटन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डॉट डैशेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ से जो है लाइट के फ्लैशेस में हम लोग भेजते हैं। तो ये हमारा हेलियोग्राफ होता है। तो इस तरह का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका मैकेनिकल कम्युनिकेशन भी हो सकता है जो कि ये आपका इसका एग्जांपल है आपका हेलियोग्राफ, या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करना हो ये टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम लोग बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं उसको कि ये यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है या फिर ये वायर्ड सिस्टम या फिर वायरलेस सिस्टम है। यूनि डायरेक्शन सिस्टम की बात की जाए तो मतलब कि वो एक ही मतलब पाथ में एक ही आप डायरेक्शन में आप इसको जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हम लोग यूनि डायरेक्शन में ये जो सिस्टम है एक आपका जो है ये पूरा सिस्टम है आपका यूनि डायरेक्शनल है। जैसे कि प्रेस के थ्रू, प्रेस में आपका मतलब प्रिंट मीडिया हो गया या फिर आपका
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब कि जो न्यूज़पेपर है आपके, मैगजीन है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे कि आपके रेडियो टेलीविज़न। तो इसके तो रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके अलावा केबल टीवी है, तो अभी इसमें भी हम लोग इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर कर रहे हैं वो भी एक डायरेक्शन में ही शेयर करते हैं। बाकी के जो है जैसे कि पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, डाटा नेटवर्क, ये सारे जो हैं आप दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मतलब कि जो पर्सन जो इस्तेमाल कर रहा है ये सारे मोड्स को, तो दोनों जो पर्सन है वो दोनों पर्सन आपका इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है अपनी तरफ से। तो ये आपके बेनिफिट है बैटरी डायरेक्शन में। तो अगर बात की जाए वायर्ड की और वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम वायर के थ्रू आपके केबल्स के थ्रू वो जुड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें आता है टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलेक्स, केबल टीवी। जबकि वायरलेस की बात की जाए जो कि वो स्पेस या एयर मीडियम होता है, और उसमें हम लोग वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे वो सेटेलाइट टीवी, रेडियो, सेटेलाइट फ़ोन, मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, डाटा नेटवर्क, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन की। तो वायर्ड कम्युनिकेशन में आपका जो एग्जांपल है वो टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलेक्स, केबल टीवी है। तो टेलीग्राम जो सर्विसेज है वो बेस्ड है टेक्स्ट मैसेज सेंड करने पर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, मतलब मोर्स कोड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इसको वायर नेटवर्क से भेजा जाता था। तो इसमें होता ये है कि इस सिस्टम में कि जो भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू जो भी आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है उसको मोर्स कोड में कन्वर्ट करके डॉट डैशेस में उसको इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू भेजा जाता है। तो जैसे वो दूसरे सिस्टम दूसरे लोकेशन में वो सिग्नल पहुंचते हैं तो उसको फिर से डिकोड किया जाता है और उसको इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। तो उसके लिए पूरा एक केबल का नेटवर्क चाहिए होता है इस तरह के, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सिमिलरली टेलीफोन जो नेटवर्क है वो भी पूरा केबल नेटवर्क से ही मतलब ऑपरेट होता है, जिसमें कि हम लोग एक टेलीफोन में जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग वॉइस मैसेजेस होते हैं, वॉइस इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर वायर के थ्रू वो आगे की तरफ मतलब वो सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो टेलेक्स जो सिस्टम जो कि मतलब कि फैक्स का ही एक ओल्डर वर्जन है, तो फैक्स भी आपका स्विच नेटवर्क है टेलीप्रिंटर का। जो भी इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, जो भी डाटा भेज रहे हैं उसको वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि टेलेक्स आपका जो है ये टेलीग्राम का अपडेटेड वर्जन है और फैक्स का आपका ओल्डर वर्जन है। तो जो भी टेलीग्राम में हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न फॉर्मेट में आप टेलेक्स से निकाल सकते हैं। जबकि फैक्स जो है वो करता है ये कि जो भी आप इमेज भेज रहे हैं वो इमेज को सेंड कर देता है आपको दूसरे लोकेशंस पर। तो ये भी भेजा जाता है आपके केबल नेटवर्क के थ्रू ही। ठीक है, तो ये भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इस चीज़ को। तो फैक्स टेलीफोन सेम केबल नेटवर्क पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो केबल नेटवर्क होता है उसको अंडरग्राउंड लिंक किया जाता है सारे रीजन में। तो इसका मतलब है कि अगर आप टेलीफोन सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर वैसे लोकेशंस पे हैं जहाँ पे आपके पास ऐसी मतलब केबल पहुँची नहीं है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो मतलब आप रिमोटली एरियाज पे वहाँ पे आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इस चीज़ का। तो ये इसके लिए वायर्ड कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है। तो इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो कि कनेक्टेड होते हैं टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिसेस से, ताकि हम लोग जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर सके राइट पर्सन के पास। मतलब कि आपके बहुत सारे यहाँ पे अगर बहुत सारे यूजर्स होंगे एक लोकेशन पे और दूसरे लोकेशन पे आपको बहुत सारे यूजर्स हैं, आपको सारे को सारा जो है यूजर्स जो हैं केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला है कि आपको इसी इन्फॉर्मेशन से बात करनी है, इसी पर्सन से बात करनी है? तो उसके लिए होते हैं टेलीफोन एक्सचेंजेज। टेलीफोन एक्सचेंजेज जो होते हैं वो जो पुराने होते एक्सचेंज ऑफिस हुआ करते थे, उस केसेस में होता ये था कि अगर आप किसी आपको किसी से बात करनी है तो पहले आप टेलीफोन एक्सचेंज को कॉल करते थे, फिर वो आपका जो है कनेक्शन वो है नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करता था अगले पर्सन के साथ। तो ये आपका थोड़ा लॉन्गर मेथड था, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे इसको हटा दिया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो सारे चीज़ें इसको मतलब सारी चीज़ें सारे काम करता है, मतलब कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है किस किस मतलब
किस केबल का कनेक्शन किस इन केबल से करना है, किस यूजर का कनेक्शन किस यूजर से करना है, वो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू कर दिया जाता है। तो ये इसके लिए मतलब डिफरेंट टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिसेज होने जरूरी होते हैं। तो पब्लिक स्विच नेटवर्क जो है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, वो उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सके। तो ये आपका जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको फैलाया गया था ताकि आप वर्ल्ड के मतलब किसी कंट्री के से आप दूसरे कंट्री में आप कम्युनिकेट कर सके टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू। तो ये जो है केबल्स है वो मतलब अगर लैंड एरिया से आप लोग आपका ये कनेक्टेड है तो इसका जो है केबल बिछाना आसान होता है, लेकिन जहाँ पे आपके इस तरह के मतलब कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्री से केबल से नहीं जुड़ी है तो उसको भी आपके अंडर सी टेलीफोन केबल से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अलावा आप सेटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जो अदर मोड्स हैं उसमें भी आपको मतलब कि जो अगर आप सेटेलाइट से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लैग होता है क्योंकि लॉन्गर लेंथ पर आपको भेजना पड़ता है, मतलब अर्थ से जो वेव्स हैं वो आपको भेजनी पड़ती है सेटेलाइट को, सेटेलाइट से वापस आती है, तो इसमें टाइम टेकिंग होती है। लेकिन जो केबल से जो आपका कनेक्शन है या फिर कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा ईजी हो पाता है। अगर बात कर ली जाए रेडियो वेव्स वायरलेस टेक्नोलॉजी की, मतलब कि अब तक हम डिस्कस कर रहे थे हम लोग वायर टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वायर्स के थ्रू। अब बात करते हैं ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है रेडियो वेव्स पर डिपेंडेंट होते हैं, रेडियो वेव्स या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है रेडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 30 हर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है, इसके बीच में होता है ये हमारा फ्रिक्वेंसी इसकी। तो जो कि है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसके जो कि कहलाता है ट्रांसमीटर, वहाँ से हम लोग सेंड करते हैं और दूसरा रिसीवर से उसको रिसीव करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का जो मेथड्स है वो रडार, रेडियो नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो इसमें होता ये है कि रेडियो में ट्रांसमिशन करना पड़ता है और उसके बाद जो है मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेट करके उसको सेंड करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी कैसी है और कितनी एनर्जी है उसमें कि वो ट्रैवल कितने डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर पाएगा। तो ये जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो सकती है, मतलब आप एक से दूसरे को ही बात कर सकते हैं या फिर एक से बहुत लोगों को आप से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो इजी होता है जनरेट करना और ये लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकता है। तो इसके लिए बहुत जो सिस्टम्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको किसी लोकेशंस पे आपको रडार आपने सेट किया हुआ है ताकि आपको आसपास के कोई मतलब व्हीकल जो है आपको फ्लाइंग व्हीकल को डिटेक्ट करना है तो उस केसेस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको कोई रेडियो चैनल से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसके लिए। तो जो प्रॉपर्टीज है रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो अगर लो फ्रिक्वेंसी होती है तो लो फ्रिक्वेंसी मतलब कि लो मतलब है तो उस वो जो है वो वेव्स पास कर जाती है ऑब्स्टिकल से, मतलब कि वो घर की दीवारों से भी पास कर जाती है, वो आपके मतलब एक ट्रांसमीटर से रिसीवर को इजीली पहुंच जाती है। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपके वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से वो ऑब्स्टिकल को पास नहीं कर पाती, उससे बाउंस हो जाती है। इसलिए जो है लो फ्रिक्वेंसी हम लोग रेडियो वेव्स में रेडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं जबकि हाई फ्रिक्वेंसी हम लोग टेलीविज़न में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो है VLF मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड, रेडियो वेव्स फॉलो द ग्राउंड। तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाले हैं वो ग्राउंड में जनरली जनरेट किया जाता है क्योंकि ग्राउंड में के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और जो हायर वेव्स होते हैं उसको हम लोग जनरली वो आपके आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आते हैं और वापस ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा आपके हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो तो आपके अर्थ में भी ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का मीडियम एयर ही होता है और आयनोस्फेयर जो है हम लोग का हेल्प करता है, जबकि जिससे वेव्स टकरा के वापस अर्थ पे आ सके। अब बात कर लेते हैं कि कितने तरह के आपके जो वेव्स होते हैं वो किस किस लोकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर वेरी लो फ्रिक्वेंसी की हैं तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेरीटाइम रेडियो नेविगेशन में। मतलब शिप में आपको अगर कम्युनिकेट करना है किसी लोकेशन से कि आपको किस किस जहाज में मूव कर रहे हैं, कोई आसपास के स्टेशन कौन कौन से हैं, उसके लिए रेडियो कम्युनिकेशन में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मीडियम फ्रिक्वेंसी या फिर हाई फ्रिक्वेंसी एएम रेडियो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल रेडियो में जो कि आप सुनते हैं तो उसके लिए। उसके बाद है जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है या फिर जो कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है वो इस्तेमाल किया जाता है एफएम रेडियो से लेकर आपके टेलीविज़न के। नेक्स्ट है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, और जो है एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, मतलब कि जो भी आप सैटेलाइट भेजते हैं किसी दूसरे प्लानट पर तो उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो है आपको लॉन्गर डिस्टेंस पर उपको का कम्युनिकेट करना है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी से, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिपेंडेंट करते हैं डिपेंड करता है आपके फ्रिक्वेंसी पर कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेडियो ट्रांसमिशन की, जो कि हम लोग नॉर्मली जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पब्लिकली आपको कोई किसी स्मॉल पॉइंट से बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारे लोगों को अगर आपको कम्युनिकेट करना है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक यूनिडायरेक्शनल मेथड है। तो रेडियो ट्रांसमिशन में एक एंटीना होता है जो कि कन्वर्ट करता है आपके जो भी आपके साउंड है वेव्स हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट में, और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये जाता है वो ये प्रोपगेट करता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और उसको टावर एक एंटीना के थ्रू इसको इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और उसके अलावा ये है गाइडेड चैनल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मतलब कि वायर या फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी प्रोपगेट किया जा सकता है, लेकिन इसको मेनली वेव्स के थ्रू भेजा जाता है, और जिसकी वजह से ये आयनोस्फीयर से जाके टकरा के वापस आ सकता है या फिर ग्राउंड के थ्रू भी मूव कर सकता है। तो ये इसके पास जो है हर रेडियो स्टेशन के पास एक फिक्स सर्टन एरिया होता है जहाँ तक वो उसकी जो वेव्स है वो मतलब अपने फुल एनर्जी के साथ वो जा सकती है। तो बेसिकली जो है अगर रेडियो स्टेशन है वो ब्रॉडकास्ट करता है जो भी जो वॉइस इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब ट्रांसमिट करता है, तो वो इसका कितने एरिया तक उसका एफिशिएंसी रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपको कितने हाइट पर और कितने हायर फ्रिक्वेंसी से आप इसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हर रेडिएशन का अपना लोकेशंस होता है, वहाँ पर उतना एरिया फिक्स एरिया होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लार्जर एरिया में आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको या तो आप हायर ग्राउंड पर हायर एलिवेशन पर आपको ट्रांसमिट कीजिए ताकि आप लार्जर एरिया को कवर कर सकें, या फिर अगर जहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो वहाँ पे एक और स्टेशन इस्टेब्लिश कर दीजिए जो कि रिसीव करके आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दे वो सारा इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ वो फैला दे। तो इस तरह सीरीज ऑफ रेडियो टावर के से आप जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक या फिर बड़े एरिया में कर सकते हैं, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है जो वेव्स है वो आता है रेडियो के पास, और उसके जो एंटीना है या फिर उसका जो भी रिसीवर है उस रिसीवर से वो रिसीव करता है, और उसके बाद जो वेव्स है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के बाद वो कम हो जाती है या फेड हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको एम्पलीफाई करके आपको क्लियर ये साउंड प्रोवाइड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टेलीविज़न ट्रांसमिशन की। तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन या ब्रॉडकास्टिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो और वीडियो कंटेंट टू डिस्पर्स्ड ऑडियंस वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन मीडियम, बट टिपिकली वन यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ए वन टू मैनी मॉडल। तो इसे मेनली फोकस किया जाता है कि आपको ऑडियो भी भेजना है और वीडियो भी भेजना है, तो ऑडियो को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो उसके अलावा वीडियो है, वीडियो का जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रिकॉर्डेड वीडियो को भी या फिर लाइव वीडियो को भी ये एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इसको शेयर किया जाता है। तो इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इसको आपको अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक समझना है कि आपको इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है आपको आप इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू
आप शेयर कर सकते हैं। तो इसको जो भी आपके लोकेशंस है उस लोकेशंस पे, जहाँ पे यहाँ पे आपके जो आउटसाइड में किसी स्टेडियम में कोई मतलब गेम चल रहा है, या फिर कहीं आपको न्यूज़ कवर करना है तो लाइव हो सके, या फिर जो आपके इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की है उसको, उस सारे इंफॉर्मेशन को आप मतलब कि हम लोग करते ये हैं कि एंटीना के थ्रू आप हम लोग उसको शेयर करते हैं सेटेलाइट को। और जो सेटेलाइट होता है वो सेटेलाइट जो है उसको मतलब कैच करता है और उसको आगे की तरफ पूरे मतलब जितने एरिया तक उसका कवर एरिया है वहाँ एरिया तक उसको ट्रांसमिट करता है। तो उससे ट्रांसमिट करने के साथ साथ जो है उसमें अगर केबल टीवी के जो है मतलब पर्सनस हैं या फिर उसको कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं वो कंट्रोल करती है कि आपको किस चैनल मतलब मीडियम किस बैंड के किस फ्रिक्वेंसी के चैनल आपके पास चलेंगे या किस फ्रिक्वेंसी के चैनल आपके पास नहीं चलेंगे, तो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको डायरेक्टली होम तक आपको प्रोवाइड किया जाता है सेटेलाइट के थ्रू। तो ये टेरेस्ट्रियल बेस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल बेस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू मतलब अर्थ पर एंटीना के थ्रू आपके पास शेयर किया जाए, फिर जब वो कम होने लगे तो फिर दूसरा एंटीना आपको स्टेब्लिश कर दिया जाए, फिर उसके थ्रू आप किया जाए। तो जो पुराना जो दूरदर्शन के जो चैनल आते थे तो वो इसी तरह के मतलब टेरेस्ट्रियल आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही ट्रांसमिशन सिस्टम से ही आपको ट्रांसमिट किए जाते थे, लेकिन अब सेटेलाइट बेस्ड आ चुके हैं। तो अभी दूरदर्शन से लेकर सारे जो चैनल्स आप देखते हैं टेलीविज़न में वो सारी चीज़ें आपके सेटेलाइट से ही ब्रॉडकास्ट की जाती है। तो ये अब तक हो गया कि सेटेलाइट से डायरेक्टली होम तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जिसके लिए बीच में टेलीविज़न टावर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके पूरा टेलीविज़न ट्रांसमिशन था। इसके बाद कर लेते हैं सेलुलर मोबाइल नेटवर्क की। तो सेलुलर नेटवर्क जो है अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये जो मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको है लिंक किया जाता है डिफरेंट नोड्स को, मतलब ये डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है बेस स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम लोग सेल कहते हैं या फिर नेटवर्क कवरेज का यह कहते हैं। तो इसके लिए जो है वॉइस डाटा ये बहुत सारे की जो मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना पड़ता है। तो उसमें ऑडियो वीडियो आपके इमेजेस कुछ भी हो सकते हैं। तो जो हम लोग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क जो बोलते हैं जिसमें सेल होता है, सेल एक्चुअली एक ग्राफ जो कि जियोग्राफिकल रीजन होता है। तो जियोग्राफिकल रीजन जो होता है वो आपके एक हेक्सागन के शेप में होता है, और इस तरह से हेक्सागन के शेप में पूरा एक क्लस्टर होता है, मतलब पूरा रीजन्स होते हैं जिसके हर हेक्सागन में एक टावर होना जो मतलब कंपलसरी है। तो इस टावर से ही सीधा पूरा ये पूरी तरफ चारों तरफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो जो क्लस्टर्स होते हैं वो आसपास के जो सेल्स के होते हैं ग्रुप को होते हैं। तो वो नॉर्मली 7 सेल को का एक क्लस्टर होता है। उसमें कोशिश की जाती है कि सारे मतलब सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो ताकि आप पहचान सके कि किस सेल से आपको कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए ये सारा जो पूरा नेटवर्क है जो सेल नेटवर्क है जहाँ पे आपके टावर्स लगे होते हैं जहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें इस रीजन में जो भी आपके यूजर्स होंगे वो आपके इस सेल टावर से ही सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचेगा। तो ठीक है, तो उसके अलावा एक कुछ टर्म्स होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। तो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन हम लोग इसी को बोलते हैं, टावर्स को भी बोलते हैं। उसके बाद है बेसिक स्टेशन कंट्रोलर, जो कि है ये इंटरफेस होता है BTS के बीच में, मतलब बेस ट्रांसमिशन ट्रांस रिसीवर स्टेशन के बीच में, जो कि केबल के थ्रू या फिर माइक्रोवेव के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि अब है कि अगर आप इस लोकेशन से आप दूसरे लोकेशन पर किसी और पर्सन को से बात करना चाहते हैं तो उसे कॉल करते हैं, तो कॉल करने के लिए आपका जो है कॉल किस डायरेक्शन में भेजना है, किस आपका इन्फॉर्मेशन है किस यूजर को भेजना है, तो उसके लिए ये होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि बेस स्टेशन को कंट्रोल करता है। और फिर जो है इसको भेजा जाता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, जो कि ये मोबाइल स्विच करने के लिए मतलब कि आपको किस रूट में लेके जाना है, किस रूट में आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो इसके लिए भेजनी पड़ती है। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर एक अलग ऑफिस होती है, एक और अलग पूरी सिस्टम होता है जो कि आपको ये सारे कॉल को मतलब सेंड करता है, कंट्रोल करता है कि किस कॉल को किस लोकेशन पे भेजनी है। तो ये जो टावर्स होते हैं वो टावर्स जो है एक्चुअली ये भी केबल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है,
तो ये भी केबल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और इस टावर के आसपास आप वायरलेस आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केबल नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। आपने देखा भी होगा कि चेट फोन टावर्स पर जो भी आपके होते हैं, एक तरह से केबल आपको पूरे ग्राउंड से लेकर ऊपर तक जाता है, आपको उसके ट्रांसमिशन रिसीवर में, जब ट्रांसमिशन भी करना है रिसीव भी करना है उसको, तो उसके पास लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है होम लोकेशन रजिस्टर, तो आप किस लोकेशन में हैं तो वो जानने के लिए ये प्रोवाइड की जाती है। विजिटर लोकेशन रजिस्टर, अगर आप किसी एरिया में आप टेम्प्रेरी गए हुए हैं तो उसको लोकेशन को जानने के लिए ये विजिटर लोकेशन रजिस्टर होता है। इसके अलावा इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर होता है, जिसके थ्रू ये जानना होता है कि आपका जो फ़ोन है वो उसका IMEI नंबर के थ्रू वो पहचानता है कि आप कहाँ पे थे और कहाँ पहुँचे हैं, ताकि आपको सही से आपको सिर्फ एक जो जिस लोग आप लोकेशन में होंगे उस लोकेशन के टावर को आपको इन्फॉर्मेशन भेजना होगा। फिर इन्फॉर्मेशन भेजने के साथ साथ आप दूसरे मतलब पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपको करना ये होता है कि मोबाइल से अपन लोग को जो भी वॉइस कॉल करनी है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम लोग टावर से कनेक्टेड होते हैं, और ये टावर आपके आसपास में कनेक्टेड होते हैं केबल्स नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट डाटा नेटवर्क की। तो आजकल जो है इंटरनेट डाटा नेटवर्क से हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ चुके हैं, अभी जो धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो सारी टेक्नोलॉजी है इस पर डिपेंडेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करना होता है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोई मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो भी डाटा सेव है कहीं पे, तो उसको हम लोग को वहाँ से लेना है, तो वहाँ से लेने के लिए जो हमारे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। मतलब इसके इंटरनेट में होता ये है कि आपका जो भी मोबाइल नेटवर्क है वो या तो वायरलेस से आपका किसी टावर से जुड़ा होगा, या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर होगा तो वो आपके मतलब मॉडेम से या फिर राउटर से या फिर किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा होगा, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो फाइनली वायर से कनेक्टेड होगा, केबल से कनेक्टेड होगा, पूरा एक सिस्टम होगा, पूरा नेटवर्क होगा। तो ये सारा जो वास्ट कनेक्शन है तो उसी के थ्रू आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका किसी मतलब लोकेशन पे फिक्स होता है, वो मतलब कि कोई आपकी जैसे आप कोई कहीं से वीडियो देख रहे हैं या कोई इमेज देख रहे हैं, तो उसकी जो इमेज है या फिर वीडियो है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कहीं डाटा सेंटर में उसको फिक्स कर दी जाती है, और फिर उस डाटा नेटवर्क पर आपको मतलब डाटा नेटवर्क से आपको वहाँ से डाटा लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो है पूरा एक सेटअप नेटवर्क होता है, जो कि मतलब कि के मतलब केबल्स के थ्रू आपका जो है टावर से वो पूरा जुड़ा हुआ होता है पूरे मतलब कंट्री में, और फिर कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जोड़ने के लिए वो अंडरसी केबल बिछाई जाती है, जिससे कि वो सारा कम्युनिकेशन किया जाता है। मतलब अगर आप गूगल से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो डायरेक्ट भेजते हैं अमेरिका, जो गूगल का सेंटर है, और फिर वहाँ पर उन्होंने डाटा कुछ फिक्स किया हुआ है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर डाटा सेंटर इंडिया में है तो वो आपको दूसरे लोकेशन जाना नहीं पाएगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके इंडिया में ही सेटअप किया होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके लिए पूरा एक केबल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन वो आपके पास ही आए तो उसके लिए आपको एक IP एड्रेस दिया जाता है। तो हर डिवाइस के पास अपना IP एड्रेस होता है जो कि 32 नंबर का होता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया जाता है तो आप जो डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लोकेशन होते हैं, उसके अपने मतलब नंबर होते हैं, जो कि हम लोग या फिर नेम होते हैं, जो बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं सारे सर्वर्स के, और डाटा जो है आपके ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू और फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू वो शेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था कि अंडरसी इसको ये बिछाई जाती है, लिंक की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डाटा नेटवर्क शेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कोड एंड स्टैंडर्ड्स की फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग को किसी भी लोकेशंस पे किसी भी रीजन में डेवलप करना है, स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसके लिए कुछ फिक्स मतलब रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मर्जी से अपने बिना आसपास की जो रोडवे है या किसी और चीज़ के इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि पब्लिकली उसको इस्तेमाल करना है, बिना सोचे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फ्यूचर में जो है आपकी जो कुछ फैसिलिटी अगर चाहिए भी होगी पब्लिकली
तो वो आपको जल्दी नहीं मिल पाएगी। मतलब बात की जाएगी, अगर कोई भी सिंपल लैंड्स का मतलब कोई लैंड एरिया है, उसमें आपने ज़मीन खरीदी और उसमें आपने स्ट्रक्चर बना दिया, और आपने ये नहीं देखा कि आपके पास रोड किधर से जा रहा है, किधर से पास कर रहे हैं, किधर से आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको वहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए कहाँ से आप वाटर ले रहे हैं, कहाँ पर अपने वाटर को डंप करना है, आपने अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो आपके फ्यूचर में अगर वो पूरा रीजन डेवलप होगा तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की जो है प्रॉब्लम वो कॉमन रहेगी, उसके लिए रोडवे के लिए रोडवे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी जल्दी, तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए जो भी है, किसी भी लोकेलिटी को डेवलप करने के लिए वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ कोड्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो इसको हम लोग एक कहते हैं बिल्डिंग कोड, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो भी एक्टिविटी करनी है तो उससे पहले हम लोग को वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस जो भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप वहाँ का मैप बना मतलब उस लोकेशन का स्ट्रक्चर का मैप बनाकर उस जो लोकल बॉडी से पास करवाते हैं। तो पास करवाते हैं तो वो चेक करते हैं कि जो सारे जो आपने जो भी प्लान कर रहे हैं वो बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपने कितना स्पेस छोड़ा है या नहीं, आप पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं लैंड एरिया को। तो इंडिया में जो है इस तरह के बिल्डिंग कोड जो है वो है नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि 1970 में इस तरह स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है उसके बाद धीरे धीरे इसको भी इन्फॉर्मल इसको रिवाइज किया गया 1983 में, 1987 में भी दो अमेंडमेंट किए गए इसमें, और जो लेटेस्ट है 2005 में करने के बाद 2017 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कि आपके जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका जो भी बिल्डिंग नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा सके, ताकि जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो सेफ्टी की सेफ्टी भी मेंटेन होनी चाहिए। अगर बात की जाए कि आपके जो कोड्स है उसको जो है बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ताकि आप बिल्डिंग को आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बना सकें, और उसमें मतलब कि जो भी आपके सेफ्टी फीचर्स है वो सारी प्रोवाइड कर सकें। तो इसका भी हेल्प किया लिया गया है आपके गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से मतलब इसके अकॉर्डिंग ही पूरा ये 20 मिलियन अफोर्डेबल होम्स बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसके अलावा जो है कि ये जो कस्ट ये इसका मेन फोकस होता है कि कस्टमर क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, और उसके लिए आपको प्रॉपर हर लोग हर बिल्डिंग के पास मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेज बिल्डिंग है तो उसमें मिनिमम मतलब प्रोविजंस होने चाहिए सेफ्टी के लिए, मतलब फायर फाइटिंग जो है फायर फाइटिंग के लिए भी जो भी सारे फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल होनी चाहिए, लाइफ सेफ्टी के लिए जो भी नॉर्म्स है वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका मेन का पर्पस क्या होता है, प्रोविजन कहा था इंडियन बिल्डिंग कोड का। तो मेन पर्पस होता है कि आपका बिल्डिंग जो है वो सेफ हो, स्ट्रक्चरल सेफ्टी रहता है, एक्सेसिबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन के लिए, फायर सेफ्टी लाइफ सेफ्टी की प्रोविजन होनी चाहिए, और उसका कंसिस्टेंट बिल्डिंग बननी चाहिए उसके लिए प्रोविजंस होते हैं उसमें, अल्टरनेट बिल्डिंग टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए मतलब प्रमोट किया जाता है आपको, कि आप अल्टरनेट जो बिल्डिंग टेक्निक है जिससे कि आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो, और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट किया जाता है। इन्वायरमेंटल कंपैटिबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को भी, या फिर यूज ऑफ सोलर पावर इन्वर्टर हार्वेस्टिंग की टेक्निक के बारे में भी प्रमोट किया जाता है, इसमें प्रोविजन दी गई है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है किसी बिल्डिंग का, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन दी गई है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड जो है 2017 का आप ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट के भी होते हैं अपने अपने बिल मतलब बिल्डिंग कोड्स होते हैं, और अगर आपकी म्यूनसिपैलिटी है या फिर आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग भी लोकल एरिया के अकॉर्डिंग भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपको किस तरह कंस्ट्रक्शन आप करना है, किस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप उसके अलावा कुछ सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसका पर्पस हम लोग डिजाइनिंग में करते हैं। तो वैसे तो इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स जो है या भी जो कि ब्यूरो इंडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिलीज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आपके कोर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में डिफरेंट लोकेशंस पर करते हैं। मतलब कि SP6 है, SP6 कोड है 1 Part 127 जो कि मेनली स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन करने के लिए है। SP7 है वो नेशनल बिल्डिंग कोड है। SP16 है, SP16 जो है कि डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए एड्स है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं इसमें कंक्रीट रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए। SP34 है प्लेन अनइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन के लिए। IS 456
2000 है, IS 800 जो कि है स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए, अडियान के लिए, IS 10262 है आपके कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए। उसके अलावा सीमेंट का टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एग्रीगेट का टेस्टिंग, डिफरेंट मटेरियल का टेस्टिंग कैसे करेंगे, डिफरेंट मटेरियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग बहुत सारे कोर्स हैं। तो बेसिक जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी हुई है, जो कि आप इसको आपको आपके सिविल इंजीनियरिंग में आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते पर नहीं है, आपको आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म होता है, तो इसके बाद आपका चैप्टर 3 के यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं।